मोहम्मद दानिश साहब जर्मनी से पूछते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त 4:36 था, मैंने 4:34 पर असर की नमाज शुरू की, नमाज 4:38 पर ख़त्म हुई, तो ये नमाज अदा में शुमार होगी या कज़ा में? ऐसी सूरत में क्या नियत करनी चाहिए, अदा की या कज़ा की? नियत से फ़र्क नहीं पड़ता, बस असर की नियत कर ली काफ़ी है, चाहे वो अदा हो या कज़ा हो, तो वो खुद बखुद अदा हो गई है, चूँकि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले आप नियत बांध चुके थे। लेकिन इतनी देर असर में करना ये गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। असर जो है जब सूरज सब एक नेज़े तक आ जाए ना, ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हो जाए, अब जर्मनी में तो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिनट पहले, सूरज ग़ुरूब होने से 20 मिनट पहले तक मकरू वक्त शुरू नहीं होता, 20 मिनट से पहले पहले सही वक्त होता है। जब सूरज ग़ुरूब होने में 20 मिनट रह जाए तो मकरू वक्त है, तो इतनी ताखिर करना नाजायज़ है, हराम है। लेकिन अगर किसी ने कर ली तो पढ़नी पड़ेगी नमाज, गुनाह तो हुआ देर करने का, लेकिन छोड़ नहीं सकता वो, तो इसलिए आपने भी बहुत देर की है, इसमें गुनाह हुआ, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन नमाज आपकी हो गई।